नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। रांची सहित अन्य जगह भी छिनतई और लूट की घटना जोरों शोरों पर है। इसी बीच नए तरीके से लूट करने वाला एक युवक पुलिस के गिरफ्त में आया है। इससे परेशान ग्रामीण और पुलिस का कहना है कि ये नए तरीके से लूट करता था। वह भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज़ नहीं करता था। अगर किसी के बैग में मोबाइल या लैपटॉप मिलता था तो उसे फेंक देता था। वहीं आज ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने एक प्रेस वार्ता रखा, उसमें क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सिकंदरी थाना क्षेत्र में अभी हाल में ही बैंक कर्मी से 1,55,000 रुपये नगद लूट लिया गया था दो अपराध कर्मियों के द्वारा, जब ये लोकल मार्केट में अपना पैसा कलेक्ट करके बैंक जा रहे थे, रिवा बंधन बैंक में जाकर पैसा जमा करने के लिए। इस तरह की घटनाएं कई हम लोगों के आजू बाजू के थाना में चिकिदरी, पिठोरिया, कांके में रिपीटेडली इधर घटना लूट की चिंता की हो रही थी, जिसमें से ये हम लोगों को सूचना मिलता था कि ब्लू रंग की अपाची गाड़ी में दो क्रिमिनल आए और मुंह बांधे हुए थे। हमेशा डिफरेंट टाइप का उनका वेशभूषा पोशाक रहता था, लेकिन गाड़ी हमेशा वही ब्लू रंग की ही अपाची मिलती थी। ये घटना के बाद हम लोगों ने टीम फ्रेम किया गया था और इसी टीम ने डीएसपी साहब के नेतृत्व में प्रयास करके एक अपराधकर्मी शमशेर आलम, जो गिद्दी थाना क्षेत्र रामगढ़ का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके पास से उपयोग में आने वाली जो बाइक इस्तेमाल करते थे ब्लू रंग का अपाची, उसको बरामद किया गया और बैग में पैसा, जो ब्लैक रंग का बैग था, ये बैग सिर्फ हम लोग अभी मिल पाया है। पकड़ाने के बाद यह अपना एक बालिया बयान में बताया, कुछ रोचक बातें इसने बताई जो आप लोगों को जानना चाहिए, समाज में भी लोगों को जानना चाहिए। इसने ये बताया कि ये अपने क्राइम जो लगातार एक महीना में पिठोरिया में 6 घटना किया था, कांके में किया था, किसी भी घटना में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं करता, न मोबाइल इस्तेमाल करता था, न लैपटॉप इस्तेमाल करता था। इस बैग में 1,55,000 रुपये के साथ साथ एक उनका लैपटॉप भी था। ये बैग को और लैपटॉप को वहीं जो है सो जंगल में फेंक दिया, जब लूटा और लूटने के कुछ दूर जाने के बाद उसको फेंक दिया, सिर्फ कैश पैसा लेके ये निकला था। और जहाँ जहाँ भी इसने लूटा, जहाँ कैश मिला वहीं रखा, या ऑर्नामेंट्स मिला मोबाइल को फेंक दिया, रखा नहीं। इस ढंग का इसका एमोरा। इसके साथ एक आदमी और है, इसके दोस्त, जो अभी तक दूसरे अपराधकर्मी जिसको अभी तक हम लोग पकड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि जितना जल्दी होगा ये गिरफ्त में आएगा। अभी तक इसमें महुआटार और मांडू उन्नू को मिलाकर, राजप्पा में मिलाकर अभी तक 17 केस हो चुके हैं, मिल गए अभी तक जो हम लोगों को मिला है। हमको लगता है कि दूसरे जगहों में भी कांड इनका जरूर होगा, बहुत पुराने शातिर अपराधकर्मी। अपना वेशभूषा चेंज करके ये इस तरह की घटना ये करते हैं, बहुत तेजी से, बहुत फास्ट, जिसको एक्सेस करना बड़ा मुश्किल के क्षेत्र के लोग काफ़ी त्रस्त हो चुके थे, एक भय व्याप्त हो गया था इस अपराधकर्मी, इस लुटेरा के वजह से। तो हमको लगता है कि इसके पकड़े जाने से लोग राहत का सांस लेंगे और मेरा प्रयास ये होगा हम लोगों की टीम का कि साक्ष्य पर्याप्त इसमें संकलित करके और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने का काम, ये हम लोग का लक्ष्य है। खूंटी का तो नहीं, महुआ टाँड का बता रहे, हो सकता है कि खूंटी में भी होगा, क्योंकि हम लोग अभी एक दिनों के अंदर में बहुत कुछ नहीं निकाल पाए इनसे, फिर पुलिस रिमांड पर लेके भी आगे की कार्रवाई जरूर करेंगे। तो हमको लगता है कि ज़रूर दूसरे जगह भी, चूँकि ये जगह चेंज कर करके और लगातार एक महीना अगर आके एक तरफ काम करता तो उसके बाद छोड़ कर फिर दूसरे तरफ चला जाता। इस ढंग का इसका एक सूत्री कार्यक्रम लूटपाट ही करना। हाँ नहीं, अभी हथियार नहीं मिला है और इसका कहना है कि अपने साथी जो नहीं पकड़ा पाया है उसके जिम्मा किए, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके उसके घर पर रेड वगैरह किया है, चेक चाक किया, लेकिन घर पर तो है नहीं। बाइक ये
गिरफ्तारी हम लोगों का अपना एक प्रयास था पुलिस टीम का। ये पुरानी पुलिसिंग जो होती है ना, अब नए में तो टेक्सेल का इस्तेमाल करना, सारे लोग बिना मोबाइल का रह नहीं सकता है, लैपटॉप का रह नहीं सकता, लेकिन इस परिस्थिति में चुनौती हम लोगों के सामने थी कि ऐसी जब स्थितियाँ हैं तो फिर आखिर हम अपराधकर्मी में तो कैसे पहुँचेंगे। तो पुरानी हम लोगों का जो कंसेप्ट है, पुरानी पुलिसिंग है, उसका हम लोगों ने सहारा लिया और आसपास के थानों से इनका फ़ोटो या हुलिया आइडेंटिफाई करवाया कि किस ढंग का लोग है, और बगल के ज़िला रामगढ़ से हम लोगों ने कांटेक्ट किया वहाँ थाना से, तो मैच करने लगा कि हाँ ये आदमी है, ये पहले जेल गया था इस टाइप का, इसके पास ब्लू मोटरसाइकिल अभी हाल में लिया है और ये फलाने जगह। तो हम लोगों ने डायरेक्ट उसके घर पर जाकर रेड कर दिया। तो चूँकि रमज़ान का समय चल रहा था, लोग जगे हुए थे, भोर में हमारी टीम जब गई है, ये भी संयोग से वहीं मिल गया। आप बगल को मैं छिपा के मोटरसाइकिल रखा हुआ था, बाइक को ब्लू मिल गई, और मिलने के बाद फिर ये बैग रिकवरी कराता है, इसके स्वीकृति बयान पर जंगल में फेंका हुआ है बैग मिला है। हमको लगता है कि ये हम लोग का लैब टैप भी जरूर जो है सो हम लोग ढूंढ के निकाले, चूँकि काफ़ी घना जंगल था, काफ़ी खोजा गया है, लेकिन हम लोग तो मिल नहीं पाया, लेकिन आगे देखते हैं कोशिश कर। तो पुरानी पुलिसिंग का समा के वजह से ही ये डिटेक्ट हो पाया। हम मुख्य सुराग गए कि दो अपराध कर दिए। ये तो वेशभूषा ऐसा चेंज होता था कि लोग आम लोग पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता, बहुत फास्ट भागता थी कई बार, चेहरा तो इसका जो है गोगल्स लगा लेता था लोग, फिर जो है सो मास्क है ऊपर में, फिर गमछा बांध लिए, तरह तरह का, कभी हेलमेट पहन लिए, डिफरेंट टाइप का इनका एमओ रहा है। तो इसके वजह से पूरा यहाँ दहशत का माहौल कायम हो गया था और हम लोग भी चिंतित हो गए थे सीनियर अफसर कि भाई आखिर वो कौन सा बहुरूपिया है जो आके घटना कर रहा है और फिर जिला में पता ही नहीं चल रहा है। पुराने अफसर लोग भी यहाँ बहुत कुछ बताने नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस टाइप का कौन आदमी है, एकाएक एक महीना में कहाँ से आ गया। लेकिन पुराना जो पुलिसिंग थी हम लोगों का, जो अपना कंसेप्ट था, उसका सहारा लेकर सिटी पार्ट 2/3 का और पूरा लोगों से बातचीत करके यहाँ तक पहुँचने का ये काम किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।